हेलो स्टूडेंट्स, टर्न दिवस में आप सबका स्वागत है। टेंस के पार्ट टू में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर को, फॉर्मूलेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट में चले आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 का यूज करते हैं, लेकिन इसमें V1 लेकिन हमारा इस केस में सिंगुलर और प्लुरल में थोड़ा सा वर्ब में डिफरेंस हो जाता है कि हम लोग सिंगुलर वाले में V1 प्लस ES या फिर S का यूज करते हैं, बट प्लुरल में सिर्फ V फॉर्म यूज करते हैं। आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। हियर गर्ल इज अ सिंगुलर वर्ड, सो हियर वी विल यूज V1 plus S. So, this is the formula. And for plural, हम लोग girls here, तो इसके साथ हम लोग कौन सा यूज करेंगे, V1. तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है, अदरवाइज सब्जेक्ट V plus V1 plus ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ऑफिस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में भी मीनिंग यही डेवलप हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो इसीलिए हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो यहाँ पे हमारा V1 यूज हो रहा है, और क्योंकि लेकिन आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि हम लोग S क्यों यूज कर रहे हैं ही के साथ, लेकिन यहाँ पे हम लोग V के साथ वॉच यहाँ पे सिर्फ V1 यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें कौन किसमें वर्ब के साथ ES या फिर बिना ES के यूज करना है, ये हमें देख लेना चाहिए। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ सिर्फ हम वर्ब यूज करेंगे। और he, she, it, name, इसमें हम लोग verb के साथ es यूज करेंगे। इसको आप लोग मेनली ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम्स में। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, कैसे कितने होते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। V5 यहाँ पे इसलिए लिखा है जो ES है उस केस में, अदरवाइज सिंगुलर केस में, अदरवाइज प्लुरल में हमारा V1 ही यूज होता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें, इसके लिए भी सारा स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद डू, डज प्लस नॉट का यूज करते हैं हम लोग, और बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव मींस क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, डू, डज को आगे यूज कर लेना है, बाकी सेम पॉजिटिव सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव में यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम रेगुलर वाले यूज होंगे।
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले में हम लोग डू डस यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कंसर्न रखना है, यहाँ पे फोकस करना है कि नॉट को हमें सब्जेक्ट के बाद यूज करना है इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में. ये सिंपली नेगेटिव था और यहाँ पे हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे डू डज हम लोग पहले यूज कर रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नॉट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होगा. और जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्वेश्चन वाले रहेंगे उसको हम लोग हमेशा डब्ल्यू एच आगे रहेगा, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म वन एंड ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है. ये चीज आगे दूसरे टेंस में सारे टाइप्स में फॉलो होगा. तो मेनली हमें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इसको याद रखेंगे तो हमें सारे और नेगेटिव वाले भी तो हमारा सारा कवर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे हमारा नेसेसरी चीज हो गया कि हमें हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो भी वर्ब के पहले. तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है? इज आर एम आर. ऐसे हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कंटिन्यूअस वाले में यूज करने हैं ये. और यहाँ पे वर्ब कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं? वी वन प्लस आई एन जी. ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल्स से हम लोग देखते हैं. आई एम हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क. तो यहाँ पे हमारा ये हो गया हेल्पिंग वर्ब. इसी के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये इनडेफिनिट या फिर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. तो इसमें हम लोग एम का यूज करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स हेल्प जब हम लोग वी वन प्लस आई एन जी का यूज करेंगे, दैट इज वी वन प्लस आई एन जी. वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं. माय मॉम इज कुकिंग बीफ विथ कैबेज. तो यहाँ पे हमारा इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया. वैसे ही कुकिंग हमारा वर्ब वी वन प्लस आई एन जी. तो मेनली हमें क्या ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर यूज हो रहा है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. प्रेजेंट नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल्स हैं जो कि हमें कंटिन्यूअस से अलग करते हैं? इसमें हमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज कर रहे थे? इज एम या फिर आर. बट यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हैव और हैज. हैज यूज कर रहे हैं हम लोग सिंगुलर के लिए और प्लूरल में हम लोग यूज कर रहे हैं हैव. तो डिफरेंस याद रखना है और यही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसके हेल्प से हम लोग. तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग वी थ्री का यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग वी वन का यूज कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग वी थ्री का यूज कर रहे हैं, जो कि
इसको अपने आप से ही डिफ्रेंशिएट करता है उन दोनों से। इसमें भी इसके हम लोग एंड इन पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले के भी रूल्स देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव यूज कर रहे हैं। पास्ट मींस यहाँ पे हम लोग V3 यूज कर रहे हैं, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल इसको बोला जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव ट्राइड सुशी। ट्राइड यहाँ पे V3 हो गया, और हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं। आई के साथ हैव यूज होता है, और जो दूसरे हैं उसमें हैड यूज होते हैं। उसी तरह हमें नेगेटिव वाले में क्या फोकस करना है, हैव नॉट यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, हैव नॉट या हैज नॉट। और इंट्रोगेटिव वाले में हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगाना है, बाकी हमारा सेंटेंस रेगुलर वही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नया रूल्स नहीं है, इसमें बस वही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स हैं, सब्जेक्ट इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो क्या अलग है, हैज बीन। यहाँ पे हैज बीन एड हो गया है परफेक्ट के मुकाबले। तो और यहाँ पे हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, V1। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। प्लस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, बीन। और यहाँ पे वर्ब को कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, V1 प्लस ING। लास्ट में हम इसको समराइज करते हैं पूरे कंपेरेटिव चार्ट के थ्रू, जिससे आपको याद रहेगा और आप जल्दी से इसको याद भी कर पाएंगे, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में भी आएगा। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आई एट एन एप्पल। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब, वर्ब का फॉर्म 1, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे इज एम आर यूज हो रहा है, प्लस V1 प्लस ING वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हो रहा है, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन ऐड कर दे रहे हैं। अदरवाइज सेम स्ट्रक्चर इस तरह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग V3 यूज कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा याद कर सकते हैं कि V1 सारे में यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ के, ऐसे आपको याद रहेगा। और इसमें एस या ES लगा रहे हैं सिंगुलर वाले में, और इसमें ING लगा दे रहे हैं, अदरवाइज दोनों में ING लग रहा है, तो इससे आपको याद रहेगा। बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपको बेसिक पता ही है, तो इससे आपको याद रहेगा। सेकंड पार्ट है टेंस का, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस के फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
या फिर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब्जेक्ट हो गया ही रैन अवे में ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड हियर अवे इज ऑब्जेक्ट। वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस में हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज, दैट इज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग प्रेजेंट के कंपेरेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। हमारा वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या था? वहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हो रहा है यूज वॉज। वॉज यूज हो रहा है हमारा इन केस ऑफ सिंगुलर, और लेकिन वही हमारा इन केस ऑफ प्लुरल हमारा डिफरेंट हो जाएगा, वर यूज करेंगे। बाकी सेम स्ट्रक्चर प्लुरल के लिए भी वही है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी वॉज गोइंग शॉपिंग, शी इज हियर सब्जेक्ट, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है, और गोइंग हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वी वन है प्लस आईएनजी, और शॉपिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। एंड थर्ड टाइप ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस आ जाता है हमारा कहाँ पे? V3 यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग अब तक क्या यूज कर रहे थे? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग यूज कर रहे थे V2, और सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में हमारा यूज हो रहा था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा यूज हो रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन परफेक्ट में हम लोग V3 यूज करते हैं। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? हैड। हैड सभी के साथ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लुरल के सब्जेक्ट के साथ भी। एग्जाम्पल है यहाँ पे, सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, तो हमारा हैड है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और लेफ्ट कौन सा फॉर्म है वर्ब का? थर्ड फॉर्म है। तो हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, सुमित हैड लेफ्ट द जॉब। वही फोर्थ टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड हैव बीन प्लस वी मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कंपेरेटिवली चार्ट से समझेंगे तो लर्निंग आसान रहती है। तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज वर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो बेसिक डिफरेंस हमारा वर्ब में ही आता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में। सिंपल में तो हम लोग सिर्फ वर्ब का एक फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट सिंपल में हम लोग VT यूज कर रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे थे? V1। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग कंटिन्यूअस का क्या नेचर? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब दोनों यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है कंटिन्यूअस में? वर्ज वर्ब।
हमेशा याद रखना है कंटिन्यूअस में कौन सा वो यूज, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, वाज या फिर वर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, V1 प्लस ING। वैसे ही पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। तो याद रहेगा सिंपल में V2 पास्ट कंटिन्यूअस में वो हेल्पिंग वर्ब जो कंटिन्यूअस का होता है, और पास्ट में कौन सा यूज कर रहे हैं, वाज वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऐसे ही कंपेरेटिवली याद करेंगे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्वेश्चन में। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हमें इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।